जय माता दी, दुर्गा सप्तशती में से देवी कवच। महर्षि मार्कंडेय ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, मनुष्यों की रक्षा करने वाला जो संसार में परम गुप्त हो और जो किसी ने ना कहा हो, वह मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे महामुनि, अति गुप्त और सब प्राणियों का उपचारक देवी का पवित्र कवच है, वह मैं तुम्हें बतलाता हूँ। सुनो, पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्ठमांडा, पांचवी स्कंदमाता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नवीं सिद्धिदात्री, ये नव दुर्गा के नाम ब्रह्मा जी ने कहे हैं। आग से जलता हुआ, लड़ाई में शत्रुओं से घिरा हुआ अथवा अत्यंत संकट में पड़कर भय से घबराया हुआ मनुष्य यदि इन नामों की शरण लेता है, अर्थात किसी नाम का जप करता है, उसका संकट में भी कुछ बिगड़ नहीं सकता। सब दुखों को हरने वाली दुर्गा अपने भक्तों के कष्ट कभी भी नहीं देख सकती। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण करते हैं, वह निश्चय ही फलते फूलते हैं। चामुंडा प्रेत पर, बाराही भैंसे पर, एन्द्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मयूर पर और ब्रह्मी हंस पर सवार है, सब आभूषणों से सजी हुई हैं। यह देवियां तरह तरह के गहने और जवाहरातों से सुशोभित रथों पर सवार क्रोध से भरी हुई देखी जाती हैं। शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशुपाश, कुंत, त्रिशूल और सर्वश्रेष्ठ शरंग, यह देवियों के शस्त्र हैं। देवताओं का विनाश और भक्तों का भय दूर करने के लिए तथा देवताओं के हित के लिए अस्त्र धारण करती हैं। हे महाबले, महोत्साहे तथा अत्यंत भय का नाश करने वाली तथा शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली देवी, मेरी रक्षा करो। पूर्व में इंद्रिय, आग्नेय दिशा में अग्नि, दक्षिण दिशा में बाराही, त्रिनेत्रे में खड़ग धारणी, पश्चिम में वारुणी, वायव्य में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी, ईशान में शूलधारणी, ऊपरी दिशा में ब्रह्माणी, नीचे की दिशा में वैष्णवी, इस प्रकार दशों दिशाओं में प्रेत पर सवार चामुंडा रक्षा करे। मेरे आगे की जय, पीछे विजया, बाईं ओर अजिता और दाईं ओर अपराजिता रहे। शिखा को धातनी, मूर्ख की उमा, मस्तक की मालाधरी तथा भों की यशस्विनी रक्षा करे। भों के बीच में त्रिनेत्रा, नाक की यमघंटा, आँखों के बीच में, कानों के बीच में द्वारवासिनी, दोनों गालों की गलिका, कर्ण मुख की शांकरी, नासिका में सुगंधा, ऊपरी ओर की चर्चिका रक्षा करे। अमृत कला नीचे की ओष्ठ की, सरस्वती जीवा की, कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ की रक्षा करे। घंटी की चित्रघंटा, तालु की महामाया, ठोड़ी की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला रक्षा करे। ग्रीवा की भद्रकाली, पृष्ठभाग की धनुर्धनी, कंठ के बाहर की नील ग्रीवा और नलिका की नल कुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों की खंगनी, भुजाओं की ब्रजधारणी, हाथों की दंडनी और उंगलियों की अंबिका रक्षा करे। हाथों के नखों की शूलेश्वरी, बगलों की कुलेश्वरी और दोनों स्तनों की महादेवी रक्षा करे। जो मन का शोक दूर करने वाली है, ललिता देवी हृदय की, शूल धारणी उदर की, कामनी नाभि की और गुहेश्वरी गुहे स्थान की रक्षा करे। लिंग की भूतनाथ, गुदा की महिष्वाहिनी, कमर की भगवती और दोनों घुटनों की विंध्यवासिनी रक्षा करे। महाबला जांघों की, विनय घुटनों के बीच की, नरसिंगी गुल्फों की और अमितो जैसी याद पृष्ठ की रक्षा करे। श्रीधरी पैरों की उंगलियों की, पाताल वासिनी तलवों की, दृष्टा कराली पैरों के नखों की और उधर्व केशनी केशों की रक्षा करे। कार्ती रोयों छेदों की, कांति रोयों के छेदों की, बागेश्वरी त्वचा की और पार्वती रक्त सज्जा बसा
मांस हड्डी मैदे की रक्षा करें। काल रात्रि आंतों की भ्रकुटेश्वरी पित्त की पद्मावती पद्म कोश की और चूड़ामणि कफ की रक्षा करें। ज्वालामुखी नखों के तेज की और अभिधा सब संधियों की रक्षा करें। ब्रह्माणी वीरे की और शतेश्वरी छाया की रक्षा करें। हे धर्म धारणी तुम मेरे अहंकार मन और बुद्धि की तथा प्राण अपान ध्यान समान तथा उदान की रक्षा करो। चक्रणी यश कीर्ति और लक्ष्मी की रक्षा करें। हे इंद्राणी मेरे कुल की रक्षा करो। हे चंडिकी तुम पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करो। भैरवी स्त्री की रक्षा करो। शेम करी मार्ग की रक्षा करो तथा सर्व व्याघिनी विजया सब प्रकार के भय से रक्षा करो। जो गुप्त जो स्थान रक्षाहीन है अर्थात कवच में नहीं कहे गए हैं, हे देवी तुम पाप नाशनी और जयंती हो, उन सब की रक्षा करो। जो मनुष्य अपना कल्याण चाहे वह कवच के बिना एक पग भी ना चले अर्थात क्षण भर के लिए भी देवी को ना भूले। मनुष्य देवी का स्मरण करता हुआ जहाँ भी जाता है वहाँ धन का लाभ विजय और सब मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। वह मनुष्य जिस काम की चिंता करता है वह अवश्य ही सिद्ध होता है और अतुल ऐश्वर्य भी प्राप्त करता है। कवच धारण करने से मनुष्य संग्राम में पराजित ना होकर निर्भय हो जाता है। देवी का यह कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। जो मनुष्य इसको श्रद्धा और नियम से नित्य तीनों काल में पड़ता है उसमें देवी कला जागृत हो जाती है और वह तीनों लोकों में अपराजित तथा अल्प मृत्यु से रहित होकर पूरे 120 वर्ष जीता है। उसकी लता आदि सब व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। स्थावर जंगम तथा कृत्रिम विष सब अभिचार पृथ्वी भर के मंत्र यंत्र भूचर खेचर जलचर और उपदेशिक जलचर साथ ही उत्पन्न हुए। रोग और गणमाला डाकनी अंतरिक्ष और महाबल वाली घोर डंकनिया भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस महाराक्षस वेताल उपमांड तथा भैरव आदि उसको देखकर भाग जाते हैं। जिसके हृदय में कवच होता है मान सम्मान की उन्नति होती है। यह कवच राजाओं के तेज को बढ़ाने वाला है। जो मनुष्य कवच का पाठ करके सप्तशती का पाठ करता है उसका यश बढ़ता है और सारे विश्व में उसकी कीर्ति होती है। जब तक पृथ्वी पर पहाड़ वन और वृक्ष आदि हैं तब तक उसकी संतति रहेगी। जय माता दी देवी कवच संपूर्ण जय माता।